हेलो दोस्तों, क्रिप्टोपिकर्स की तरफ से और एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इथेरियम मार्च के बारे में। दोस्तों इथेरियम मार्च जो है वो कल होने वाला है, 15 सितंबर को होने वाला है। तो देख सकते हो यहाँ पे 9 hours 41 minutes बाकी है। यहाँ पे एक NFT आने वाला है, उसको हम क्लेम करेंगे। इसके बारे में हमने ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया था आज से 10-15 दिन पहले। कॉन्सेंसस की तरफ से एक NFT आया है, इसको अभी हमें क्लेम करना है। ठीक है दोस्तों, इसको क्लेम करने के लिए आपको गैस फी भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको आपके वॉलेट पे इथेरियम रखना पड़ेगा। कैसे आपके वॉलेट में इथेरियम अगर नहीं है, क्योंकि एक्सचेंज से कुछ प्रॉब्लम अभी हो सकता है आपको विड्रॉ करने में, तो आपको कैसे इथेरियम लेना है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। और दोस्तों और एक NFT है ETHglobal.tv की तरफ से, यहाँ पे एक आपको कॉप मिलेगा। यहाँ पे आप लाइव जो इवेंट यहाँ पे चलेगा 15 hours 29 minutes के बाद, तो उसमें आप इस पे ज्वाइन करोगे। ज्वाइन करके आपको यहाँ पे एक लाइव यहाँ पे आपको जो पॉप है वो आपको क्लेम करने के लिए मिलेगा। जैसे पॉप का जो एप्लीकेशन, उसको आपको डाउनलोड करके रखना है। यहाँ पे QR कोड भी आ सकता है, जहां पे आप उसको स्कैन करके आप यहाँ से पॉप ले सकते हो। ठीक है, द मार्च यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लॉग इन रजिस्टर करके रखना है। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे लॉग इन टू चार्ट इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपका नेम सरनेम और यहाँ पे आपका जो कंट्री है वो देना है और ईमेल आईडी देके यहाँ पे वेरीफाई क्लिक करोगे तो मेल पे एक मिल जाएगा, उसको आप वेरीफाई कर देना। ठीक है, वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपका लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे आप चार्ट कर सकते हो, यहाँ पे दोगे कुछ मैसेज यहाँ पे देके रखना। ठीक है, और जब इसका इवेंट शुरू होगा तभी यहाँ पे QR कोड शो करेगा। उस QR कोड को हम तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे शो इसको स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर ही देंगे, लेकिन आप क्या करना इस पे इवेंट पे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और आप इसके जो पॉप का जो एप्लीकेशन है उसको मोबाइल पे डालकर रखना, ताकि आप स्कैन करके जो यहाँ पे पॉप आएगा उसको आप क्लेम कर सको। ठीक है, ये तो फ्री में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको फीस लगेगा। ठीक है, और दोस्तों इथेरियम जो मार्च है इसके बारे में हम 3 महीने पहले से हम आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहे हैं वीडियो और अपडेट टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ पे देखो 3 महीने पहले हमने वीडियो शेयर किया था, तो इसके जो टेस्ट नेट है उसको हमने ज्वाइन किया था। तो आने वाले टाइम पे इससे भी हमें बेनिफिट हो सकता है बहुत अच्छा खासा। आप लोगों ने तो बहुत सारे दोस्तों ने हमने ये ज्वाइन किया था और यहाँ पे देखो 1600 लोगों ने इसको देखा था। ठीक है, 1600 में तो 1000 लोगों ने इसको ज्वाइन कर ही लिया होगा, तो आप लोगों को यहाँ से बेनिफिट हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया, 6 जो यहाँ पे पॉप है उसको हमने क्लेम किया है। पहले हमने $1 करके हमने इन लोगों को सेल किया था, उसके बाद $2, $2.5 करके हमने एक को क्लेम किया है। दोनों में यहाँ पे $2 को सेल किया है। ठीक है, उस समय यहाँ पे 6 जो पॉप है वो मिल चुका है। और दोस्तों कल के जो इवेंट है उसमें बहुत सारे स्कैम हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये वार्निंग है कि आप किसी भी जगह पे जाके कोई अगर ऑफर आता है उसमें जाके आप वॉलेट मत करना, नहीं तो आपका वॉलेट हैक हो सकता है। इसके बारे में यहाँ पे कॉइन टेलीग्राम की तरफ से पोस्ट किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और जो पोस्ट है 9 hours पहले किया गया है। ठीक है, 3 way स्कैमर विल ट्राई टू फूल यू ओवर स्कैम इथेरियम मार्च। तो ये जो मार्च का इवेंट है इसमें जो स्कैमर है वो कुछ तरीके ला सकते हैं आपको स्कैम करने के, कि आप यहाँ पे आपको पॉप दिया जाएगा या फिर कुछ आप यहाँ पे टोकन क्लेम कर सकते हो। इथेरियम का जो फॉक होने वाला उसका टोकन आप क्लेम कर सकते हो अगर आता है। ठीक है, कुछ आता है तो आपको थोड़े टाइम वेट करना है, उसके बाद ही लोग अगर कर रहे कुछ वीडियो आया है तो उसके बाद ही आपको यहाँ पे अगर कुछ आता है तो उसको आपको क्लेम करना है, उससे पहले आपको क्लेम नहीं करना है। इसके उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसको चेक करके एक बार चेक कर लेना। ठीक है, इसको तो ताकि आप आपके साथ स्कैम ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग स्कैम पे भी फंसेंगे। ठीक है, 2-3 दिन बाद या फिर 1 सप्ताह बाद ही आपको पता चलेगा कैसे लोगों के साथ स्कैम हुआ है, तो आपके साथ स्कैम ना हो, तो इसलिए हम आपको इसके पोस्ट के बारे में आपको बोला है। ठीक है, आप इसको देख लेना। ठीक है, ताकि आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। तो आप किसी भी साइट के साथ जो कनेक्ट है वो मत करिएगा, लोगों ने किया है उसके बाद ही आपको करना है। ठीक है, लोगों को अगर मिल रहा है तो आपको भी मिलेगा। ठीक है, तो आप उसके लिए कई उल्टा सीधा काम करना बैठो जिसके कारण आपका जो वॉलेट है वो हैक हो। तो दोस्तों हम जो यहाँ पे NFT को क्लेम करेंगे उसके लिए फीस चाहिए, और इससे दोस्तों अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है तो यहाँ पे आपको ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, देख सकते हो यहाँ पे बी द फर्स्ट टू नो इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका मेल आईडी डालना है, डालने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है, आपके मेल पे एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगा, उसको आप वेरीफाई कर देना। ठीक है, तो आपको क्या आएगा, इन लोगों के तरफ से एक मेल आएगा जहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते 72 hours का आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा, जहाँ पे आप इसके जो NFT है उसको आप क्लेम करोगे। ठीक है, उसके लिए आपके वॉलेट पे गैस फी भी आपको रखना है, ताकि आपको क्लेम करने के टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मतलब दिक्कत ना आए। ठीक है, इसको क्लेम करने के टाइम पे तो यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, और इसके बारे में हमने टेलीग्राम पे ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है,
तो यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग को पता है बहुत दिनों से हम आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आपको जस्ट मेल आईडी डाल के, आपने नहीं किया है तो यहाँ पे मेल आईडी डाल के आप इसको रजिस्टर कर लेना, आपके मेल आईडी पे एक मेल आएगा, उस मेल के थ्रू ही आप जाके आपको क्लेम करना है, ठीक है। तो आपके वॉलेट पे गैस फी नहीं है, तो आपको करना क्या है, तो होप एक्सचेंज पे आ सकते हो। आने के बाद यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे हमारे मेटिक पे यहाँ पे इथेरियम है, ठीक है, यहाँ पे इथेरियम जैसे यहाँ पे ये है टोकन, ठीक है, यहाँ पे सेम काम करना चाहते हैं इथेरियम, यहाँ पे हम इथेरियम को सिलेक्ट कर लिए, तो पॉलीगन नेटवर्क जो है पॉलीगन है, तो पॉलीगन पे हमारा इतना इथेरियम है, तो हमने और आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है मेन नेट, ठीक है, मेन नेट देख सकते हो, ये नेटवर्क है सिलेक्ट नेटवर्क, तो हम यहाँ पे मेन नेट सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको जितना आप ट्रांसफर करना चाहते हो पॉलीगन से मेन नेट पे, तो यहाँ पे आप यहाँ पे डाल के आप यहाँ पे सेंड पे क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पे रिसीव होगा। देख सकते हो यहाँ पे जो फीस है 0.00 थी, तो अभी हाई गैस फीस है, तो आप देख लेना गैस फीस जब कम हो, ठीक है, तभी आप उस पर करना। और अभी जो यहाँ पे गैस फीस चल रहा है 18 GB पे चल रहा है, तो आप वेट करना। और आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत के तुरंत ही आपको इथेरियम जो इसके NFT वो कलम करना है, 72 आवर्स आपको मिलेंगे, उसके बीच में आपको करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ज्यादा फीस लग रहा है तो वेट करना, एक्सचेंज विड्रॉ बंद है, जब एक्सचेंज का विड्रॉ खुलेगा तब आप इसको डाल के भी कर सकते हो, ठीक है। तो 72 आवर्स के अंदर आपको इस पे क्लेम करना है, तो इसका हो गया। और दोस्तों और भी कुछ अगर अपडेट आता है, कोई दूसरा NFT आता है, तो सभी हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, ताकि आप जो मार्च का जो NFT है ये आने वाले टाइम पे हमें दूसरे एयरड्रॉप पे भी हमें एलिजिबल करवा सकता है, तो इसको मिस नहीं करना है, इसको आपको क्लेम कर लेना है। और हमने जो यहाँ पे उसी आशा से हमने यहाँ पे डोनेट किया था, ठीक है, डॉलर्स को सेंड किया था, तकरीबन यहाँ पे 8-10 डॉलर यहाँ पे हमें लगा है, तो उससे हमें यहाँ पे 6 जो पॉप NFT हमें मिला है, और 2 यहाँ पे कॉइन जीगो का, और ये 14 में जो हमने डोनेट किया था गिटकॉइन उसका लिए मिला है, तो यहाँ पे हमें 6 NFT मिला है। तो इससे भी आने वाले टाइम पे हमें बेनिफिट हो सकता है, और इसी आशा से हमने यहाँ पे आप लोगों को बोला था कि आप भी यहाँ पे डोनेट कर दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो उसके बाद दोस्तों गैलेक्सी के बारे में बात करेंगे, तो इसका नया जो एक वेरिफिकेशन सिस्टम आया है, ताकि लोग यहाँ पे ज्यादा स्कैम ना कर सके, ठीक है, एक बंदे के पास 10-15 जो वॉलेट से ये यहाँ पे NFT कलम कर रहा था, तो इसलिए ये लोग कुछ वेरिफिकेशन का सिस्टम लेके आए। तो देख सकते यहाँ पे पासपोर्ट, जैसे हमें जो गिटकॉइन पे पासपोर्ट वेरिफिकेशन करना पा रहा था, उसी तरह के यहाँ पे पासपोर्ट वेरिफिकेशन आया है, तो उसके यहाँ पे एक पोस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, और इसके बारे में हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे कल रात को ही हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था कैसे आपको करना है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। जब यहाँ पे वेरीफाई कर लोगे उसके बाद आप यहाँ पे NFT दिया गया इसको आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक भी यहाँ पे दिया गया, इसका लिंक भी मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो लिंक है देख सकते हो यहाँ पे galaxy.com पासपोर्ट, ठीक है, तो आप यहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हो, या फिर यहाँ पे जो गैलेक्सी पे आके आप यहाँ पे पासपोर्ट पे भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्लिक करना है इसपे, या फिर उसी से भी आप जा सकते हो, तो आपका जो नेटवर्क रहेगा वो BSC रखना पड़ेगा, क्योंकि एक ट्रांजेक्शन करना है और उस ट्रांजेक्शन का फीस आपको लगेंगे 0.0006, ठीक है, तो उसको भी आप डालकर रखना है, तो आपको यहाँ पे मिंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 3 स्टेप पे आपको यहाँ पे NFT आपको मिंट करने के लिए मिलेगा, जैसे क्रिएट योर गैलेक्सी पासपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, वेरीफाई योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, उससे आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। सेव योर आइडेंटिटी डाटा, तो यहाँ पे आपको आइडेंटिटी जो डाटा है उसको आपको सेव करना है, उसके लिए भी आपको एक पासवर्ड देना है अच्छी तरह से, ठीक है, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे रहेगा। मिंट योर गैलेक्सी पासपोर्ट NFT, उसके बाद आपको यहाँ पे मिंट करना है NFT। और यहाँ पे दोस्तों पहले 10,000 लोगों के लिए था, तो 10,000 लोग, फास्ट 10,000 लोगों को यहाँ पे फ्री में NFT मिलेगा ऐसा था, अभी लोग अपडेट करके यहाँ पे 1 लाख तक लेके गए, फर्स्ट 1 लाख लोगों को यहाँ पे जो ये जो NFT है वो फ्री में मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको $5 पे करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको ये जो आइडेंटिटी है, जो NFT है वो आपको पासपोर्ट है वो आपको मिलेगा, ठीक है, यही है आपको पासपोर्ट। जैसे आप इंडिया से बाहर, आप अगर इंडिया के हो, इंडिया से अगर आप US में जाना चाहते हो, जैसे पासपोर्ट आपकी जरूरत पड़ता है आपको, उसी तरह का आपका आने वाले टाइम पे जब यहाँ पे गैलेक्सी में आके जब NFT को आप क्लेम करोगे, तो आपका ये पासपोर्ट होना जरूरी है, तभी आप इसको क्लेम कर पाओगे। आप अगर नहीं करोगे तो बाद में अगर कोई अच्छा आपको NFT मिल रहा है तो आपको इसको बाय करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उससे बेहतर है कि आप यहाँ पे KYC करके रखो, आपको NFT यहाँ पे फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करना, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे साइन करने के लिए बोलेगा, आप यहाँ पे साइन पे क्लिक करना है, यहाँ पे साइन पे क्लिक कर देना आपको, तो उसके बाद ऐसे आ जाएगा दोस्तों आपके सामने। तो यहाँ पे 3 स्टेप यहाँ पे दिया गया, ड्राइविंग लाइसेंस, नेशनल ID और पासपोर्ट, ठीक है। तो आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड से आप यहाँ पे नेशनल ID पे क्लिक करके कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पे क्लिक करके दे सकते हो,
तो आप सभी के पास आधार कार्ड तो होगा ही, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो आधार कार्ड पे आप क्लिक करना है, आधार कार्ड पे क्लिक करके यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे फोटो क्या है, फोटो अगर मोबाइल पे है तो उसको आपको अपलोड करना नहीं है, आपको स्कैन करना है। स्कैन करने से आपको होगा, क्योंकि हमने क्या है स्कैन से किया है तो तुरंत ही इसका वेरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। स्कैन से आपने अगर अपलोड कर रहे हो तो दिक्कत आ सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अगर आप यहाँ पे डेस्कटॉप या लैपटॉप से कर रहे हो और उसका कैमरा नहीं है तो आपको करना क्या है इसके लिए, तो यहाँ पे देखो तो जैसे हमने किया है यहाँ पे, हमारा तो लैपटॉप से हमने नहीं किया, डेस्कटॉप से किया था। तो हमने यहाँ पे कंटिन्यू ऑन अदर डिवाइस, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक QR कोड दिया जाएगा, ठीक है। आप अगर लैपटॉप डेस्कटॉप से कर रहे हो, आप अगर नहीं कर रहे हो मोबाइल से कर रहे हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जो यहाँ पे ऐसे आएगा, ठीक है, दूसरा ऑप्शन आएगा तो उस पर क्लिक करके आप स्कैन कर लेना, ठीक है। तो इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करते यहाँ पे ये QR जो कोड है ये आ जाएगा। तो आप QR कोड को इसको मोबाइल से स्कैन करना है, जो बहुत सारे एप्लीकेशन भी आता है स्कैन QR कोड स्कैनर, या फिर इन बिल भी आता है मोबाइल पे तो स्कैनर, तो उसको उससे उसके साथ इसको मतलब स्कैन करना है। स्कैन करके आपका मोबाइल पे एक लिंक आएगा, उसको पेस्ट कर दूसरा जो ब्राउजर में आपको एक ब्राउजर में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद वहाँ पे आपको डिटेल्स मांगेगा इसी तरह से, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्कैन कर लेना है डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद फ्रंट पेज आपको देना है, बैक पेज देना है, उसके बाद आपको फेस वेरिफिकेशन आएगा उसको आपको कर देना है, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको जो फ्रंट पेज रहेगा, ठीक है, उसको आपको स्कैन करना है। बैक पेज आप फोटो किसको भी दे सकते हो, लेकिन और फेस का जो होगा वो तो लाइव आपको स्कैन करके ही आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तुरंत ही आपका वेरिफिकेशन हो जाता है, तुरंत एक सेकंड में, मतलब एक सेकंड के अंदर ही इसका वेरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे दोस्तों हमारे नहीं हुआ है तो इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कैसे आपको करना है, ठीक है। हमने कर लिया है, तो हमने दूसरे वॉलेट से किया है, ठीक है, वो कनेक्ट करके किया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, आपका पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा, तो आपका जो पासवर्ड है वो भी आप अच्छी तरह से सेट करिएगा, ठीक है। तो मैं दूसरे वॉलेट से कनेक्ट करके मैं दिखा देता हूँ कैसे जो इसका पासपोर्ट है वो दिखता है। दोस्तों ये हमारा पासपोर्ट है और इसको क्लेम करने के लिए आपको फीस भी देना पड़ेगा, 0.006 या फिर 8 आपको देना पड़ेगा, कैश फीस के हिसाब से आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। दोस्तों ये NFT अगर आपके वॉलेट पे रहेगा तभी आप यहाँ पे NFT आप क्लेम कर पाओगे, ठीक है। तो ये और आपने जो डॉक्यूमेंट्स को डिटेल्स को आपने अपलोड किया और ये आपको यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे क्लिक करके आपका जो पासवर्ड है वो डाल के आप आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो डिटेल्स है वो आप देख सकते हो। और यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे आप अगर प्रोफाइल पे आते हो, ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे आपका जो NFT है यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो NFT 34 हमारे पास ये जो NFT, और यहाँ पे ये जो NFT इसको क्लेम करोगे तभी आप सारे NFT को यहाँ पे क्लेम कर पाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे जो NFT आप देख रहे हो सभी आपको ये जो NFT जो पासपोर्ट है इसको आप क्लेम करोगे उसके बाद ही आपको मिलेगा, ठीक है। क्लेम करने के बाद आपको करना क्या है, इस जो कैंपेन से इस पे आना है, इस पे आने के बाद आपको करना कि ये जो अवेलेबल टू क्लेम इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जितना भी आप NFT क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो सब यहाँ पे शो करेगा, तो आप एक एक करके सभी को आप क्लेम कर लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लेम किया है। जैसे तो यहाँ पे जो बेल आइकन है इस पे माउस लेने से ही यहाँ पे सब कुछ शो करता है, ठीक है, कितने NFT को हमने क्लेम किया है तभी यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। जैसे तो आज ही हमने यहाँ पे सब क्लेम किया है, तो आप भी इसको क्लेम कर लेना। और दोस्तों कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, तो उस लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम पे आके या आप हमसे बातचीत कर सकते हो कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है, और हम 100% कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहा, और दोस्तों अभी तक अपना हमारे YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी हम किसी दूसरे वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।